Hi everyone. Today we are doing question number 5 and 6 of the miscellaneous exercise. Now this is the last part of the chapter integration and let's start. Let's do question number 4, the first part. So in the first question, we have integration of log x the whole square. Now see, in this part we have questions from the UV rule or the integration by parts rule. तो यार हम लोग को वैसे ही करना होगा, log x का जब भी दिखता है ना तभी वैसे ही सोचना है, 1 into log x वाला, और फिर 1 को हम algebraic function मानते हैं, log x को log function मानते हैं, और फिर हम integration by parts के वो UV rule से करते हैं. तो यहाँ पे I will write this question as 1 into log x the whole square dx. Now if you remember, integration of u into v, ये u और v का ऑर्डर कैसे सिलेक्ट करते हैं? इट शुड फॉलो द ऑर्डर l a e. तो u इज l वाला अगर आया तो यहाँ पे ये डेफिनेटली u है एंड ये डेफिनेटली v है. एंड वी नो दैट द फॉर्मूला इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. ओके, मैंने शॉर्टकट में लिखा है. सो लेट अस राइट दिस डाउन. नाउ दिस इज u व्हिच इज log x द होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. नाउ लेट अस फाइंड ऑल दीज वैल्यूज. सो दिस इज log x द होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड इसका अभी डेरिवेटिव. तो समथिंग का स्क्वायर करते हैं, मतलब अंदर वाली चीज को यू समझ लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू विच इज लॉग एक्स इन दिस केस, और फिर जो अंदर वाली चीज है ना उसका डेरिवेटिव, ये मैं कर रही हूं बाय कॉम्पोजिट फंक्शन रूल डी एक्स. नाउ दिस एक्स गेट्स कैंसल्ड, सो वी गेट एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट लॉग एक्स. Now again we will have to make use of this same principle. So here also I multiply by 1, मतलब 1 से ही multiplied मान सकते ना, कुछ नहीं है तो. And उसके बाद what I will do is again, this is my u, this is v. Then we will do the same process again for this integral. So therefore we have that this is equal to x log x the whole square minus 2. अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स. तो इसके लिए पहले तो लॉग एक्स को एज इट इज रखो बिकॉज दैट इज योर यू. देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज जस्ट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज अगेन जस्ट x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x dx विच इज इक्वल टू x log x द होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx which is equal to x log x the whole square minus 2x log x. और फिर इसका इंटीग्रेशन भी x होगा, माइनस 2 इंटू माइनस x हो जाएगा प्लस 2x प्लस c, और ये है फाइनल आंसर. ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, we have e raised to x into 1 plus x divided by 2 plus x the whole square. Now, this is of the type integration of e raised to x, f of x plus f dash of x. Us type ka question hai ye. Bas is form mein leke aana padega. Iska answer hota hai e raised to x into f of x plus c. Bas. Lekin ye form mein leke aana padta hai. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे. तो मैं इसको लिखूंगी एज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स. नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 प्लस 1 सो दैट 2 हो जाए. तो प्लस 1 क्या, तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर.
Okay, now this is equal to integration of e raised to x. This is x plus 2. मैं ना सेपरेट कर देती हूँ अभी. डिनोमिनेटर को इधर भी यूज करूंगी और इधर भी. स्प्लिट करते हैं. डिवाइडेड बाय x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 द होल स्क्वायर dx. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 द होल स्क्वायर dx. Now we can take this as f of x. Just try. If I take f of x is equal to 1 divided by x plus 2. Iska derivative lenge. To 1 by x ka derivative hota hai minus 1 by x square. Kyunki ye hota hai x raised to minus 1. Wo minus niche aayega. Aur fir wo minus 1 minus 1. To minus 2 ho jayega na. Dekho pura pura solve karke. F dash of x ka value aata hai minus 1 divided by x plus 2 the whole square. और वैसे भी x प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 1 है तो इंटू 1 सेम ही रहता है. देयरफॉर वी कैन से दैट इसका आंसर जो है दैट इज जस्ट e रेज टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 बिकॉज दैट इज द वैल्यू फॉर f ऑफ x प्लस c एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज टू 2x. नाउ दिस इज ऑल्सो यूवी रूल. जहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये e है तो दिस विल बी योर v एंड दिस विल बी u बिकॉज दिस इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन दैट इज फॉर a. तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है पहले वही यूज करना है. तो इट विल बी u विच इज x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ x which is equal to now x integration of e raised to 2x is e raised to 2x divided by 2 coefficient of x se divide karte hai minus integration of e raised to 2x divided by 2 kyunki iska wapas integration kiya derivative of x is 1 dx which is equal to x into e raised to 2x divided by 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x dx विच इज इक्वल टू e रेज टू 2x डिवाइडेड बाई 2 विच इज e रेज टू 2x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा बिकॉज 2 इंटू 2 प्लस c एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. वॉट वी कैन ऑल्सो डू ओवर हियर इज टेक e रेज टू 2x कॉमन. जो टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया है वो ऐसे ही किया गया है. उन लोग ने क्या किया है इन दोनों में से e रेज टू 2x को कॉमन लिया. यहाँ पे x बाई 2 है यहाँ पे 1 बाई 4 है प्लस c और अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको 4 बना दो तो इसके लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वी गेट e रेज टू 2x देन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c एंड दिस इज द आंसर दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक एट द एंड. ओके नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वापस यू इंटू वी रूल जहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एज वन इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. नाउ दिस विल बी द फंक्शन यू एंड दिस विल बी वी. सो दिस इज इक्वल टू यू देन इंटीग्रेशन ऑफ वी. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब बड़े इंटीग्रेशन के अंदर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन तो एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन वन इज एक्स इंटू इसका लॉग का डेरिवेटिव. तो लॉग ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइडेड बाय दैट थिंग जो अंदर है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. तो इन दैट केस वी गेट 2x प्लस 1 ओके dx. नाउ आफ्टर दिस हम लोग यहां से एक x कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं. तो वी गेट x लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय
x plus 1 after taking x dx. अभी इसके बाद क्या करो ना, इसको लिखो एज x plus x, ये 2x वाले पार्ट को, तो फिर एक x plus 1 कैंसिल हो सकता है ना, तो हम लोग वो करते हैं. या एक और ऑप्शन भी है, हम लोग प्लस 1 ऐड करके फिर 2 कॉमन ले सकते हैं, मुझे लगता है वैसे फास्टर होगा, तो वैसे कर देते हैं. तो आई एम एडिंग वन मोर, इट बिकम्स 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डीएक्स. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक 2 कॉमन, देयरफॉर वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू x log ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस, फिर यहां पे वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डीएक्स. नाउ लेट अस सेपरेट, सो देयरफॉर वी गेट x log ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डीएक्स, विच इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस, अभी इसका इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन विल बी 2x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. And then here we will get log of x plus 1 plus c. So this will be your final answer. Okay. So first what we did over here, we chose jo log wala cheez hai as u and v as 1. Aur fir isse ko integrate karte gaye. Isme integration mein bhi wapis we are getting stuck. So we try to make the numerator like the denominator. So uske liye maine plus 1 minus 1 kiya. So ye 2x plus 2 ho gaya. Jisme se 2 common leke fir wo x plus 1 ho jayega. To cancel ho jayega. तो वैसे करके हमने सॉल्व किया ये. ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू रूट एक्स डीएक्स. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू इज वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ यूवी रूल क्वेश्चन बाय फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन. तो ये रूट एक्स है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करके t लिखते हैं हम लोग. तो इसको मैं लिख सकती हूँ एज रूट एक्स को t डालो, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, we will get 1 by 2 root x dx is equal to dt. So therefore I can say that dx is equal to 2t dt. Okay, now you substitute this back, so you get 2t into e raised to t dt, which is equal to, if I take 2 common, integration of t e raised to t dt. Abhi in this I will choose this is u and this is v. Now we get that this is equal to 2, then we have t integration of e raised to t dt minus integration of e raised to t dt into derivative of t dt. Now this is equal to 2 t e raised to t minus integration of e raised to t into 1 dt, which is equal to 2 t into e raised to t minus e raised to t plus c. अभी इसके बाद हम लोग e raised to t को common ले सकते हैं, तो we get 2 e raised to t into t minus 1 plus c, and now you substitute the value for t as root x again, so you will get 2 e raised to root x minus 1 plus c, and that is your final answer. Okay. Now in the 6th and the 7th question, we have these different kind of integrals. Inka ek formula tha, which we had done before this exercise on UV rule. Jahan pe you have integration of x square plus a square, like square root of x square plus a square dx. So iska formula hota hai x by 2, then the same square root plus a square by 2. इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस द सेम स्क्वायर रूट प्लस सी. ठीक है, और ऐसे एक माइनस में भी था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, उसमें बस यहाँ पे माइनस साइन होता है और ये रूट के अंदर माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है. तो इसके लिए पहले हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एंड देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, तो यू विल गेट 1, एंड देन 1 का स्क्वायर करके एड एंड सब्ट्रैक्ट करो. सो यू हैव टू एड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1.
So therefore we get that this is equal to square root of x square plus 2x plus 1 minus 1 plus 5 dx, which is equal to integration of square root of x plus 1 the whole square plus 4, which is 2 square dx, which is equal to, now it is of this form only, exactly is formula mein aaya hai. So it will be x plus 1 divided by 2. Yahan pe x ke badle x plus 1 hai. Into this same square root. Isko hum baad mein simplify karte next step mein. Wapis yehi likhenge. Plus a square, which is 2 square divided by 2 log of x plus this same square root again. Which is equal to x plus 1 divided by 2. Isko likh sakte as this only. So it will be square root of x square plus 2x plus 5. Plus, ye cancel okay, we will just get 2. Log of x plus, same wapis ye square root can be written in this way. That is x square plus 2x plus 5. Plus c. That will be the final answer. Now let us do the next question. Same hi hai ye question bhi, aisi type ka hai. Yahan pe jo bhi coefficient hai x ka, pehle we'll divide by 2. So we get 8 by 2 is 4. Fir 4 ka square is 16. So 16 ko add and subtract karte hain. So therefore we get that this is equal to integration of x minus 4 the whole square minus 9, which is 3 square. Okay. Now after this we get. So ye wala sirf x square minus a square hai. So maine bola na second term ke pehle minus aana chahiye. Baki formula same hi hai. To pehle x divided by 2 hota hai. In place of x yahan pe we have x minus 4. Fir square root of this, which is x minus 4 the whole square minus 3 square. Okay. Then minus a square by 2, okay, and then log of again the same thing, x minus 4 plus square root of x minus 4 the whole square minus 3 square plus c. Abhi bas square roots ko open kar do, answer mil jayega. X minus 4 divided by 2 square root of jo original question mein likha hai wahi simplification pe aata. Minus 9 by 2 log of x minus 4 plus square root of x square minus 8x plus 7 plus c. And that is your final answer. Now let us start with question number 5. Now in question number 5, we have 3 questions and all of them are based on partial fractions. So partial fractions is the last exercise jo humne padha tha. तो हम जो भी हमारा इंटीग्रेशन के अंदर जो फ्रैक्शन है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट करते हैं. इसकी वजह से इंटीग्रेशन इजीयर होता है और फिर हम वो सम इजीली और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले तो इस क्वेश्चन में जो ये 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है ना, उसको हमें स्प्लिट करना चाहिए. तो इसको हम 2 into 1 को स्प्लिट कर सकते हैं, as 2 into 1 होनी ना, माइनस 2 प्लस 1 होगा. तो लेट्स डू दैट फर्स्ट. सो देन दिस विल बी इक्वल टू 3x माइनस 1 divided by 2x square minus 2x plus x minus 1 dx. Okay. Now this is equal to integration of 3x minus 1 divided by, this will be 2 common lenge, 2x common lenge. So x minus 1 aega aur idhar plus 1 rahega. So I'm doing it in one step and splitting this and writing it as 2x minus 2x plus 1, sorry, into x minus 1. dx. ठीक है, यू कैन ट्राई इट आउट अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो. तो अभी इसके बाद जो अंदर फ्रैक्शन है उसको स्प्लिट करेंगे. तो वी हैव 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इनटू x माइनस 1. नाउ दिस आई विल राइट एज, बिकॉज बोथ द फैक्टर्स आर डिफरेंट, a डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1. Now we cross multiply so that the denominators become the same and then we can compare the numerators.
So we get a into x minus 1 plus b into 2x plus 1. Okay. Now after this, let us find out the value for a and b. Now to do this, if I put value of x is equal to 1, क्या हो जाएगा? इधर से ये जीरो हो जाएगा, मैं उसके हिसाब से ही डिसाइड कर रही हूँ. तो ये जीरो हो गया तो b का वैल्यू मिल जाएगा. तो आई विल गेट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 प्लस 1. सो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 3b एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 बाई 3. नाउ दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. नेक्स्ट टू फाइंड आउट a, आई पुट x इज इक्वल टू माइनस हाफ. So that this becomes 0. Okay. Now if this becomes 0, then we'll get the value for a. So minus 3 by 2 minus 1 is equal to a into minus half minus 1 plus b into 0. So therefore we get that this is minus 5 by 2 is equal to minus 3 by 2 into a. Therefore we get that a is equal to 5 by 3. ठीक है. नाउ वंस वी गॉट ए एंड बी, लेट अस सब्स्टिट्यूटेड योर एंड देन पुट इट बैक इनटू द इंटीग्रल. सो देयरफॉर आर इंटीग्रल इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 5/3 डिवाइडेड बाय 2x+1 प्लस बी इज इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाय x-1 dx. Now this is equal to 5/3 log of 2x+1, and because coefficient of x hai, so we will also have to divide by 2, plus 2/3 log of x-1 divided by 1 plus c. And hum log ye 2 and 3 ko multiply bhi kar sakte hain, so we will get 5/6. So therefore this is 5/6 log of 2x+1 plus 2/3 log of x-1 plus c. And that is your final answer. Okay, now let us do the next question. Now in this question, jo numerator hai, uska degree denominator se zyada hai. Aise cases mein pehle hum log numerator ko denominator se divide karte hain. वी कैन ओनली अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर जो है ना उसका डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, सिर्फ तभी कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू डिवाइड. सो 2x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस एक्स माइनस 10. तो वॉट डू वी गेट? पहले तो 2x³ 2x² बनाना है ना 2x² को, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे. So we get 2x³ minus x² minus 10x. Subtract karne pe we get, this gets cancelled. Phir 3x² plus x² is minus 2x² minus 9x plus 10x is plus x plus 1. Okay. Abhi 2x² ko minus 2x² banana hai, to minus 1. So therefore we get माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 10. अभी सब्ट्रैक्ट करने पे वी गेट दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस वुड हैव बिकम माइनस, सो दिस विल बिकम माइनस 9. ओके, सो देयरफॉर वी हैव दैट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को मैं लिखूंगी एज 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इंटू x-1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस एक्स माइनस 10 डीएक्स, विच इज इक्वल टू, अभी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इन द फर्स्ट प्लेस वी विल हैव ओनली x-1. ओके, एंड देन नेक्स्ट वी विल हैव प्लस माइनस 9 बेसिकली डिवाइडेड बाय 2x² माइनस एक्स माइनस 10 डीएक्स. नाउ वी विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, लेकिन ये वाले पार्ट के लिए हमको वापस पार्शियल फ्रैक्शंस लगेगा. तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट फर्स्ट आई विल जस्ट इंटीग्रेट दिस पार्ट एंड कीप x² / 2 - x - 9
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 डीएक्स, एंड क्योंकि ये इंटीग्रेट किया ना तो प्लस सी वन लिख दो, हम फाइनल कॉन्स्टेंट को सी लिखेंगे तो उसको ऐड कर देंगे तो भी चलेगा। देखो ना दैट इंटीग्रेशन जो है ना उसको करने के दो तरीके हैं, यू कैन ऑल्सो टेक टू कॉमन एंड देन डू इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आंसर सेम आता है दोनों केसेस में, तो एनी थिंग इज ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वे से कर सकते हो, लेकिन मैं अभी पार्शियल फ्रैक्शन से कर रही हूँ क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है इन द मिसलेनियस फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम में, बट बोथ मेथड्स आर करेक्ट। सो व्हाट वी डू इज वी विल कंसिडर ओनली दैट इंटीग्रल, वो कैलकुलेट करके फिर वापस डाल देते हैं अंदर। तो कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 dx, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं 2 इंटू माइनस 10 मतलब माइनस 20 को स्प्लिट करना है, दैट इज माइनस 5 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 10 dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, हम x कॉमन लेंगे तो वी गेट 2x माइनस 5, एंड यूर इफ आई टेक 2 कॉमन देन आई गेट अगेन 2x माइनस 5 dx, सो देयरफॉर वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 5 dx। अभी इसको स्प्लिट करेंगे इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू गेट 1 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 5 प्लस b इंटू x प्लस 2। ओके नाउ यू पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 सो दैट ये जीरो हो जाए, फिर हम 5 बाई 2 भी डालेंगे तो वी गेट 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4 माइनस 5 प्लस b इंटू 0, सो देयरफॉर वी गेट दैट a इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 9। देन नेक्स्ट इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस 5 बाई 2 देन वी गेट a का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, तो a इंटू 0 और यहाँ पे b इंटू 5 बाई 2 प्लस 2 मतलब ये एक्चुअली हो जाएगा 5 प्लस 4 विच इज 9 बाई 2, तो देयरफॉर वी गेट दैट b इज इक्वल टू 2 बाई 9, तो a एंड b के वैल्यूज मिल गए। अब ये सब कुछ इसमें वापस सब्सटीट्यूट करो तो व्हाट वी कैन डू ना वी विल कॉल दिस एज i1 एंड देन आई विल राइट नाउ दैट i1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 9 देन डिवाइडेड बाय जो पहला था दैट वाज x प्लस 2 एंड फॉर b इट इज 2 बाय 9 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो देयरफॉर वी गेट माइनस 1 बाय 9 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 बाय 9 लॉग ऑफ 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, प्लस c2 लिख दो इसको, और इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी हैव 1 बाय 9 लॉग ऑफ 2x माइनस 5 वो 2 टू कैंसिल कर दिया, माइनस 1 बाय 9 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस c2, वी कैन टेक 1 बाय 9 कॉमन एंड देन दिस विल बिकम लॉग a माइनस लॉग b विच इज लॉग a बाय b, तो वी विल डू दैट, तो वी गेट ओवर हियर दैट दिस इज 1 बाय 9 लॉग ऑफ 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c2। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इनटू i, सो इफ यू रिमेंबर i वाज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 माइनस x माइनस 9 फिर इसका आंसर प्लस c1, तो इट इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस x माइनस 9 इंटू दिस होल थिंग प्लस आई विल जस्ट राइट c नाउ c2 c1 सबको कंबाइन करके एक ही। हम लोग इसके बाद ये जो 9 है उसको कैंसिल कर सकते हैं
और ये जो माइनस साइन है ना उसके वजह से इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, मतलब यू कैन टेक द रेसिप्रोकल इवन इफ यू डोंट टेक इट्स ओके. सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ टू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू प्लस सी. अगर इधर प्लस लिखना है तो फिर इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसका उल्टा लेना पड़ेगा. तो दैट विल ऑल्सो बी अ करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड सब पार्ट. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन. पहले हम log x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज t. Therefore, we get 1 by x dx is equal to dt. Now, let's substitute. So, we get 1 plus t divided by 1 by x dx has become dt. Niche we have 3 plus t into 2 plus 3t. Abhi isko split karna hai. 1 plus t divided by 3 plus t into 2 plus 3t is equal to a divided by 3 plus t plus b divided by 2 plus 3t. So therefore we get that 1 plus t is equal to a into 2 plus 3t plus b into 3 plus t. So when I put t is equal to minus 3, ye 0 ho jayega and we get 1 minus 3 is equal to a into 2 minus 9. Plus b into 0. So we get minus 2 is equal to a into minus 7. And therefore we get that a is equal to 2 by 7. Then when you substitute that t is equal to, isko banane ke liye 0, we'll have to do minus 2 by 3. So we get 1 minus 2 by 3 is equal to a into 0. Plus b into 3 minus 2 by 3, which is equal to 9 minus 2, which is 7 by 3. So therefore, on simplifying, we get, or is said pe humko 3 minus 2 by 3. So 1 by 3 is equal to b into 7 by 3. Therefore, we get that b is equal to 1 by 7. Now that we've got the value for a and b, let us substitute it back into the question. So we get that the integral is equal to 2 by 7. Divided by a ke niche we had 3 plus t plus b divided by 2 plus 3t dt, which is equal to 2 by 7 log of 3 plus t plus 1 by 7 log of 2 plus 3t, but we will also have to divide by 3 because that is the coefficient of t plus c, and now in place of t you substitute log x. So with this we have solved all the questions of the miscellaneous exercise of integration. I hope you have understood this chapter. This chapter is very important and it is a little difficult. It will get easier if you practice. So make sure to practice a lot. Bye.